हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में एक और दर्दनाक हादसा, कोविड अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, 3 मरीजों की जलकर मौत। कोरोना की तबाही से जूझ रहे महाराष्ट्र में आज यानी शुक्रवार को एक और बड़ा हादसा हो गया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार के विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लग गई, जिसमें 13 मरीजों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक वातानुकूलन इकाई में विस्फोट होने के बाद ये आग लगी और हादसे के वक्त अस्पताल में 90 मरीज मौजूद थे, जिसमें से 18 मरीज आईसीयू में थे। मृतकों में 5 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। टेलीविजन पर दिखाई जा रही तस्वीरों में आग के बाद धुएं से भर गए आईसीयू में अफरा तफरी नजर आई, जहां कुछ जगहों पर पंखे गिर गए, बेड एवं अन्य फर्नीचर बिखरे हुए थे और मृतकों के परिजन अस्पताल के बाहर रोते बिलखते दिखे। अधिकारियों ने बताया कि 4 मंजिला विजय वल्लभ अस्पताल के दूसरे तले पर स्थित आईसीयू में तड़के 3 बजे आग लगी। अग्निशमन दल ने आग पर सुबह 5:20 तक काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त आईसीयू में 18 मरीज थे, 5 मरीजों को बचा लिया गया और उन्हें इलाके के अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के अन्य मरीज इससे प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि आग आईसीयू तक ही सीमित रही। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि अधिकारियों को जाँच करना चाहिए कि अस्पताल का अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया गया था या नहीं। ये अस्पताल मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इस हादसे से 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने के बाद कोविड-19 के 22 मरीजों की मौत हो गई थी। जिला आपदा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि विरार के अस्पताल में आग आईसीयू के वातानुकूलन इकाई में विस्फोट के बाद लगी। हादसे के शिकार लोगों के परिजन सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नहीं, अभी मैं तो सोया था, लेकिन अभी ऊपर जाके बोला तो देखा तो आदमी लोग वेंटिलेटर के ऊपर सोए सोए मरे हुए। बहुत हालत खराब है। हम बच गए, हम तो आई जुदानी के हिसाब से हम बच गए, उनके बहुत हम शुक्रगुजार है। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, बहुत ख़राब है। आदमी इधर अच्छा ठीक होने के लिए आता है, उसके बावजूद ऐसा होता है, बहुत कठिन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने इसके ऊपर बहुत कड़क कार्य करना चाहिए और जो भी दोषी रहेगा उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हंड्रेड परसेंट दोषी। इसका तो ऑडिट किया है कि नहीं, पहला फायर ऑडिट हुआ है कि नहीं, इसका तुम्हारा आईसीयू का ऑडिट हुआ है कि नहीं, वो सब चेक करना चाहिए। और नाइट में कौन है इधर, नाइट में देखभाल करने के लिए कौन है, कितने लोग हैं, वो भी देखना चाहिए पूरा 101%। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।